तो वी वांट कोहली तो एकदम भयंकर वे में ट्रेंड हो रहा है ट्विटर के ऊपर, लेकिन क्या WWE वाले इस चीज को देख रहे हैं क्या? स्टिल जो है द रॉक और रोमन रेंस के मैच में चीजें चेंज हो सकती हैं क्या? WWE का बैक स्टेज का स्टेटस है क्या? कोडी रोड्स की एंट्री होगी या फिर नहीं, इसको लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आई है सामने। बाय द वे जो मंडे नाइट रॉक का कल का एडिशन है, WWE ने उसके लिए एक बहुत ही वाहियात सा मैच अनाउंस किया, तो उसके बारे में भी बात होगी। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर एक मैसिव मैच और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रो टू रेसलमेनिया लगातार इंटरेस्टिंग हो रही है फॉर श्योर, बिकॉज हम लोग जब बढ़ रहे हैं उस तरह तो अचानक से वी वांट कोडी वाली चीजें हो रही हैं। द रॉक रोमन का फ्यूड जो कि ड्रीम फ्यूड था वो हो रहा है कंपनी के अंदर। बाय द वे अगर तुम लोगों ने मुझे ट्विटर के ऊपर ज्वाइन नहीं किया, तुम लोग भी रोड टू रेसलमेनिया एकदम एंजॉय करना चाहते हैं, जाओ या ट्विटर के ऊपर फॉलो करो जाके, लिंक तुम्हें एकदम टॉप पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां पर हम लोग एकदम मजे करते हैं, मतलब कभी मैं एकदम टीम कोडी रोड्स को ऐसे सपोर्ट कर रहा हूं, पता नहीं भाई मैं कौन सा फॉलोवर हूं, तो ऐसी चीजें वहां पर होती रहती हैं। आओ वहां पर आके ज्वाइन करो, तुम्हें रोड टू महीने का मजा तुम्हें फॉर शॉट डबल मिलने वाला है। अब बात करेंगे और भी जैसा मैंने कहा अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वीडियो को शुरू करेंगे रिसेंटली एनएक्सटी वेंजेंस के एपिसोड के साथ में। एनएक्सटी वेंजेंस के एपिसोड के बाद फैंस को ऐसा लग रहा है कि फाइनली जो ओकाडा है वो WWE के अंदर अपना डेब्यू करेंगे और वो आएंगे एनएक्सटी ब्रांड के अंदर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ओकाडा अभी फिलहाल जो स्टिल है वो एक इन्फ्लुएंसर एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि जहां पे वो जाते हैं पर अपीयरेंस वो पर जो मैच है उसके हिसाब से प्राइस ले रहे हैं। उन्होंने ऐसे कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी के साथ में अभी तक साइन नहीं किए। एंड हुआ कि रीसेंट टाइम के अंदर NXT के अंदर जो वेंजेंस वाला एपिसोड था वहां पे कुछ क्रिप्टिक पोस्ट आते हुए नजर आए जो कि मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। यहां पे स्क्रीनशॉट है, मैन हैज 3 फेसेस एंड द रियल वन हैज नो वन सीज बट रिफ्लेक्ट्स द ईविल ही ट्रूली पोजेस। यानी कि कुल मिलाकर जो 3-4 पोस्ट है वो बताते हैं कि इंसान के 3 चेहरे होते हैं, एक जो कि वो दुनिया को दिखाता है, एक जो कि वो फैमिली वालों को दिखाता है और एक जो कि उसके खुद के अंदर का शैतान है। ऐसे टाइप चीजें टीज हुई है और मैंने इसी पोस्ट के नीचे जहां पर सारी चीजें थी एक जापान को लेकर चीज मिली है जिसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा। और यहां लिखा है कि जापानीज लोगों के हिसाब से एक इंसान के 3 फेसेस होते हैं और ओकाडा एक जापानीज रेसलर भी है। सो दैट्स व्हाई यहां पर फैंस का मानना यह है कि जो ओकाडा है वो आएंगे WWE कंपनी के अंदर, फाइनली वो करेंगे अराइव और वो तुम्हें दिखाई देंगे NXT ब्रांड के अंदर। श्योरली ऐसे कुछ कंफर्म नहीं है, जस्ट क्रिप्टिक टीज थे, बाकी देखो वाले टाइम के अंदर क्या होता है। फिलहाल यही वो कुछ चीज है जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से कौन से सुपरस्टार हो सकता है बताना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। हम लोग बात बाय द वे एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में भी करेंगे जो कि WWE का अगला शो होने वाला है। ये WWE का कहते हैं ना एक इंटरनेश्नल PLE होगा, तो WWE श्योरली बड़े मैचेस बुक करेगी। अच्छा सपोज करो कोडी रोड सेट को ही चैलेंज करते हैं और दूसरी तरफ रोमन रेंज जो है वो रॉक का फेस करते हैं, यानी कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कोई नंबर वन कंटेंडर मैच ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन भी हमारे मैवरिक लोगन पॉल बीच में फंस सकते हैं क्योंकि शायद उनका मैच हो सकता है उस एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। क्योंकि पहले हम लोग तो ये सोच रहे थे ना कि सेथ रॉलिंस का अपोनेंट या किसी और का अपोनेंट जो है वो डिसाइड होगा एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर, लेकिन अब तो अपोनेंट सबके डिसाइड हो चुके हैं। बात अब आती है एलिमिनेशन चेंबर की, तो शायद इसी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर लोगन पॉल बनेंगे बलि का बकरा और उन्हें अपनी चैंपियनशिप उस चेंबर के अंदर डिफेंड करनी पड़ सकती है। अभी फिलहाल ये जस्ट अर्ली पॉसिबिलिटी आई है सामने और मे बी कंपनीज को काफी जल्दी अनाउंस भी करती हुई नजर आए, बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। क्या लोगन पॉल की टांग यहां फंसती है, लेकिन मुझे लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट लोगन पॉल उस मैच के अंदर बहुत अच्छी सारी चीजें कर सकते हैं। तुम्हें याद होगा पहले कुछ हाई फ्लायर्स चढ़े थे, वो एकदम केज के ऊपर चढ़ जाते हैं वहां से कूदते हैं और लोगन पॉल तो क्रेजी चीजें करने में बिलीव ही करते। तुम लोग चाहते हो कि लोगन पॉल एंटर करे एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर और डिफेंड करे अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को, लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है और आने वाले मंडे नाइट रॉक एपिसोड के लिए WWE ने एक बहुत ही अजीबोगरीब मैच अनाउंस कर दी है। हुआ क्या है कि WWE ने बस आज से कुछ घंटे पहले एक वीडियो अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिवील की जहां पर बैक स्टेज के ऊपर कोडी रोड्स थे लाइव इवेंट में, लेकिन वहां से शिंसुके नाकामुरा का उनके ऊपर अटैक होता है। एज अ रिजल्ट एडम पियर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू ये बात अनाउंस की है कि भैया देखो अभी फिलहाल नाकामुरा ने अटैक किया ना अपने कोडी रोड्स के ऊपर, एज अ रिजल्ट अब कोडी रोड्स को मैच मिलने वाला है या फिर कोडी रोड्स अब कंपीट करने वाले हैं हमारे नाकामुरा का मंडे नाइट रॉ के अंदर, और ये जो मैच है वो होगा एक बुल रोप मैच। बुल रोप मैच पहले भी इनके बीच में हो चुका है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आया कि इस वाले मैच का आउट नोवेयर सेंस क्या बन रहा है। मतलब ठीक है अगर तुम लोग चाह रहे थे कि जो कोडी रोड्स हैं भाई उसको हम लोग किसी और तरीके से बुक करें, रोमन की स्टोरी से दूर ले जाते हुए नजर आए, वो ठीक था, लेकिन WWE ने अचानक से उन्हें कहां बुक कर दिया भाई, कहां से कहां वो रोमन रॉक के सामने थे और कहां अचानक से वो एक
बुल रोप मैच में वो भी विदाउट स्टोर लाइन कम्पीट करने जा रहे हैं शिंसुके नाकामुरा का। मतलब मैं नाकामुरा को डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, नाकामुरा श्योरली एक बहुत बेहतरीन टैलेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही वाहियात सी बुकिंग लगी कि लाइव इवेंट की जो चीज़ें, बल्कि इनकी रेगुलरी खत्म हो चुकी थी जबकि कि अचानक से नाकामुरा को सोचा चलो भैया मैं जाके अटैक करता हूँ और इसलिए जाके पूरा जो मैच वैच है वो होगा मंडे नाइट रॉ के अंदर। अब देखो कंपनी इस बात से वेल अवेयर है कि शो हाईजैक होने वाला कल, कोडी रोड्स के फैन जो है एकदम भयंकर वे में चीज़ों को हाईजैक करेंगे कि हाँ भाई मैं क्या कहते हैं कोडी रोड्स को जीताओ या फिर कोडी रोड्स को रोड टू रेसलमेनिया में ले जाओ। WWE से वेल अवेयर है, इवन इसको लेकर एक रिपोर्ट भी आई है सामने, उसके बावजूद भी अगर कंपनी करने के बारे में सोच रही है तो हाँ ये तो थोड़ी बड़ी चीज़ होगी WWE के लिए। अब बाय द वे आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो रोमन रॉक और कोडी के बारे में जुड़ी है। पहले मैं जो फॉलो थ्रू अपडेट है कंप्लीट करता हूँ। अपडेट पूरी तरीके से है कि WWE सिचुएशन मॉनिटर कर रही है ऑनलाइन जो कि चल रही है ट्विटर के ऊपर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज द रॉक को जो हेट मिल रहा है या फिर जो फैंस कह रहे हैं कि द रॉक को नहीं होना चाहिए, कोडी रोड्स को जगह पे होना चाहिए, तो WWE का उसके ऊपर ध्यान है। ये अपडेट PW इनसाइडर की तरफ से आई है सामने। बाय द वे एक और जो न्यूज है वो ये है कि बैक स्टेज के ऊपर एक और चीज है कि आधे लोग तो थोड़ा बीच की तरफ है, यानी कि वो द रॉक को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कोडी को भी कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग इस बात से डिससेटिस्फाई हैं कि जो कोडी रोड्स है उनका स्पॉट छीना गया रेसलमेनिया को लेकर, इसीलिए वो हल्की सी बात है बैक स्टेज के ऊपर भी कि भाई कोडी को ऐसे नहीं निकालना चाहिए था अचानक स्टोर लाइन से या फिर एंटर ही नहीं करवाना चाहिए था, राइट। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज आई है सामने। बड़ी न्यूज ये है कि शायद रेयरली है कि WWE प्लान्स के अंदर चेंजेस लाए, यानी कि जरूरी नहीं है कि इस पूरे ट्रेंड के बाद WWE मॉनिटर भी कर रही है तो कोडी वर्सेस रोमन ही हो जाए या फिर कोडी रोड्स एक ट्रिपल थ्रेड मैच बना दे रेसलमेनिया के अंदर जहां पर द रॉक और रोमन का वो कंपीट करें। रीजन एक आया सामने, रीजन वो ये है कि WWE अपने आप को एक विलन के तौर पर, एक अनसुटेबल स्टोरी के तौर पर दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन जो विंस मैकमैन के एलिगेशन वाली चीज है वो थोड़ी दबनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये कि WWE इस बात से सेटिस्फाई है कि भाई हम रोमन रॉक इतना बड़ा ड्रीम मैच करवा रहे हैं, तुम उसे हेट करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हम लोग इस बात से नहीं देखना चाहते हैं कि भाई देखो विंस मैकमैन के एलिगेशन लगे कंपनी के अंदर, WWE इतने बेकार है, ऐसा ये है वो है। तो अभी फिलहाल देखा जाए तो WWE अब कोडी रोड्स की जो चीज़ है ना उसको इस तरीके से ले रही कि हमारा मुद्दा जो मेन है वो डाइवर्ट हो रहा है। किसी तरीके से ब्रॉक लेसनर का जो पूरा सीन हुआ था वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, और ऊपर से हमारे विंस मैकमैन वाली जो चीज़ है वो सारी चीज़ें हो गई, तो ये सारी चीज़ों को कंपनी कहीं ना कहीं दरकिनार कर पा रही है, वो भी कोडी रोड्स वाली चीज़ के कारण। सपोज अगर चीज़ें सेटल हो जाती हैं, कोडी रोड्स को मैच मिल जाता है तो शायद ये हाइप खत्म होगी और फिर से जो चीज़ें हैं वो अपराइज करने वाली हैं। मेरे कहने का अपराइज मतलब ये है कि फिर से लोग विंस मैकमैन के बारे में और ब्रॉक के बारे में बात करने लग जाएंगे, जो कि शायद कंपनी नहीं चाहेगी। तो ये कुछ अभी फिलहाल करंट अपडेट है, एकदम लेटेस्ट ताज़ा खबर है इस चीज़ को लेकर। बाकी देखो अब क्या होता है WWE के अंदर, आने वाले टाइम में प्लान चेंज होते हैं या फिर नहीं होते हैं या फिर WWE कुछ और ही खिचड़ी अंदर पका रही है। बाय द वे रिसेंटली WWE ऑन फॉक्स वालों ने एक पोस्ट डाली है जहां पर उन्होंने द रॉक को न्यू ट्राइबल चीफ की तरह रेफरेंस दिया, तो क्या न्यू ब्लड लाइन फॉर्म होने वाली है, ये भी अपने आप के अंदर एक बड़ा डाउट है, क्योंकि मुझे लग रहा है द रॉक न्यू ब्लड लाइन लेके आ सकते हैं। न्यू ब्लड लाइन के अंदर ऑफकोर्स ज्यूस को सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें, और मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों जिमी भी कहीं ना कहीं अपनी साइड बदलते हुए नजर आएंगे, लेकिन न्यू ट्राइबल चीफ आए ब्लड लाइन के अंदर उथल पुथल डेफिनेटली होने वाली है, और मुझे लग रहा है WWE आने वाले टाइम में उन्हें इस तरीके से सिग्निफाई भी करेगी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।